जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बानी पीसीएस एकेडमी में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। दोस्तों यह जो है यूपी स्पेशल से संबंधित है, क्योंकि आगामी परीक्षाएं जितनी भी हुई हैं उन सभी में जो है यूपी स्पेशल देखे तो उनका पूछने का जो है दायरा बढ़ गया है। आयोग द्वारा जो है लगातार यूपी स्पेशल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, तो इन्हीं सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है यूपी स्पेशल का यह वीडियो बन रहा है। तो ऐसे ही आपको महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप लोगों को जो है लाल बटन नीचे दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इतिहास के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, क्योंकि एक इतिहास और है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास को। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें उत्तर प्रदेश में जो है ताम्र पाषाणिक साक्ष्य की बात करें तो यह जो है मेरठ और सहारनपुर से जो है प्राप्त होता है। यानी प्रश्न आपको पूछ लिया जाए कि ताम्र पाषाणिक स्थल कौन से हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी हालिया समय में यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछ लिया था कि मांडी, दोस्तों मांडा नहीं, पूछ लिया था क्वेश्चन मांडी, मांडी जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर वही मांडा पूछे तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। तो ताम्र पाषाणिक साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो ताम्र पाषाणिक साक्ष्य जो है मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त होते हैं। अब बात करें ताम्र काष्ठ संस्कृत के साक्ष्य। दोस्तों ताम्र काष्ठ संस्कृत के साक्ष्य के मतलब, कहने का मतलब यह है कि यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कहने की कोशिश कर रहा है। यानी ताम्रकालीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी कहते हैं। किसको? ताम्रकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। तो ये इसके साक्ष्य जो है आलमगीरपुर से दोस्तों प्राप्त हुआ है। उसके बाद बड़ा गांव और हुलास, ये तीन जगह है जहां से ताम्रकाल से संस्कृत के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश से देखने को मिले हैं। उसके बाद पुरापाषाणकालीन साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो पुरापाषाणकालीन साक्ष्य के बाद अगर हम लोग दोस्तों देखें तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से प्राप्त हुआ है। उसके बाद मिर्जापुर प्रयागराज का जो है बेलन घाटी वहां से देखने को मिला है। सोनभद्र का सिंगरौली घाटी है वहां से भी दोस्तों जो है पुरापाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में। तथा बात करें चंदौली के चकिया क्षेत्र से भी जो है पुरापाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां से जो है ताम्रपाषाणिक साक्ष्य देखने को मिले हैं। कौन कौन से स्थान है? एक मिर्जापुर प्रयागराज का बेलन घाटी है, उसके बाद सोनभद्र का सिंगरौली है और चंदौली का जो है चकिया घाटी है वहां से देखने को मिले हैं। अब बात करें अगला फैक्ट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बेलन घाटी के स्थलों की जो है खुदाई, जो बेलन घाटी है दोस्तों प्रयागराज में जो बेलन घाटी है उसकी खुदाई की बात करें तो इलाहाबाद यानी वर्तमान समय में जो प्रयागराज है उसके विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे जी आर शर्मा, उनके निर्देशन में जो है इसकी बेलन घाटी की जो है खुदाई की गई थी, ठीक है। अब बात करें बेलन घाटी से प्राप्त क्या हुआ है तो बेलन घाटी के लोहदा नाला वाला क्षेत्र एक है दोस्तों, वहां से जो है अस्थि निर्मित यानी हड्डियों से निर्मित जो है एक मातृ देवी की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई यानी मूर्ति देखने को मिला है बेलन की घाटी से, ठीक है। अब बात करें पुरापाषाणकालीन साक्ष्य के जो औजार प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में वह कैसे थे तो वह दोस्तों क्वार्ट जॉइंट पत्थर से निर्मित थे। कौन से? तो वह क्वार्ट जॉइंट पत्थर से जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी औजार देखने को मिले हैं क्वार्ट जॉइंट पत्थर से निर्मित थे। अब चलिए देखते हैं मध्य पाषाणकालीन मानव का जो है अस्थि पंजर के साक्ष्य। यानी पाषाणकाल के अंतर्गत हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, जैसे पुरापाषाणकाल हो गया, मध्य पाषाण हो गया, उसके बाद उच्च पाषाणकाल हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पुरापाषाण को देखा, अब देखेंगे मध्य पाषाणकाल के अंतर्गत मानव का जो है अस्थि पंजर के साक्ष्य कहाँ, यानी मानव के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक जो है जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय और महदहा से दोस्तों जो है पाषाणकालीन यानी मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य देखने को मिले हैं। सरायनाहर से बात करें अगर दोस्तों 14 शवाधान देखने को मिले हैं जिनमें मृतकों का जो शरीर था वह जो है पश्चिम की तरफ था। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है सरायनाहर राय से जो है 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। क्या? सरायनाहर राय से दोस्तों 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। और प्रयागराज दोस्तों अगला फैक्ट देखें तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद की मेजा तहसील का जो है मेजा तहसील पड़ता है, वहां का एक स्थान है चोपनी मांडो।
चोपड़ी मांडो से बात करें तो वहां से झोपड़ियों और जो है मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य देखने को मिले हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है दोस्तों, दमदमा यानी प्रतापगढ़ में जो है दमदमा पड़ता है। दमदमा से पूरा स्थल यानी हड्डी हड्डी सिंह के आभूषण और गर्त चूल्हे और 41 समाधान के साक्ष्य जो है देखने को मिले हैं। कहां से? उत्तर प्रदेश के दमदमा से। अब एक महत्वपूर्ण खोज की बात करें, वर्तमान समय में यह प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उन उसी के आधार पर हम लोग इसे देखने की कोशिश करते हैं कि नवीनतम खोज हुआ है कृषि को लेकर। वर्तमान समय में बात करें, कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला है। कहां पे? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले में, जिसे खलीलाबाद भी कहा जाता है, वहां पे एक स्थान पड़ता है लहुरादेव। लहुरादेव से जो है 8 से 9 हजार ईसा पूर्व जो है चावल के साक्ष्य देखने को मिले। यानी अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये नवीनतम खोजों के आधार पर हुआ है। ठीक है, यानी 8 से 9 हजार ईसा पूर्व जो है चावल के साक्ष्य देखने को मिले। यानी इससे पहले भी और कहीं खोज हुआ था दोस्तों, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक क्षेत्र है बलूचिस्तान। ठीक, बलूचिस्तान में जो है, बलूचिस्तान का एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से बात करें तो वहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिले हैं। कौन से? वो भी वहां से जौ देखने को मिले थे। यानी जौ के साक्ष्य जो है, जौ और गेहूं के साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से देखने को मिले हैं, जो 7000 ईसा पूर्व से संबंधित है। अब बात करें उत्तर प्रदेश का कोई अन्य स्थान है जहां से भी कृषि के साक्ष्य देखने को मिले हैं, तो हाँ है दोस्तों, वहां स्थान है कोहलडीहवा। कोहलडीहवा कहाँ पड़ता है? तो प्रयागराज पड़ता है। वहां से भी चावल के साक्ष्य देखने को मिले हैं। यानी वर्तमान समय में जब लहुरादेव की खोज नहीं हुई थी, मतलब साक्ष्य नहीं मिला था, तो ये दोस्तों इसका उत्तर कोहलडीहवा होता था कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोहलडीहवा से देखने को मिले हैं, जो 6500 ईसा पूर्व से संबंधित था। ठीक है, अब बात करें दोस्तों कुछ जिले हैं, जैसे मिर्जापुर हो गया, सोनभद्र हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया। यहाँ से उत्खनन करने पर पता चला है कि यहाँ जो है नौ पाषाण कालीन जो है बस्तियां रहती थी। कैसे पता चला? तो वहां पे दोस्तों जो है नौ पाषाण कालीन के जो है कुछ औजार देखने को मिले हैं। क्यों, कैसे होते थे? तो दोस्तों पाषाण कालीन में तो काफी बड़े बड़े बेडौल ढंग के होते थे। नौ पाषाण काल में दोस्तों जैसे ब्लेड हो गया, खुरचनी हो गया, हस्तकुठार हो गया, ये सभी देखने को जो है मिले हैं नौ पाषाण कालीन स्थल से। अगर हड़प्पा कालीन स्थल की, सबसे पूर्वी स्थल की हम लोग बात करें, तो हड़प्पा कालीन को दोस्तों कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या? कांस्युगीन सभ्यता भी जो है हड़प्पा कालीन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन के सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है। यह हिंडन नदी पे है, उत्तर प्रदेश में है। और दोस्तों एक स्थान और याद रखिएगा हड़प्पा कालीन का, अभी हमने बताया है मांडी। मांडी ही है दोस्तों, मांडा नहीं है। मांडा आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। कहां पे? मांडा जम्मू कश्मीर में है, मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। और यही आलमगीरपुर से ही दोस्तों जो कपास उपजाने के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुए हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। तो ये थे हमारे प्राचीन काल से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। अब इसके बाद हम लोग हर वीडियो में दोस्तों 5-6 ऐतिहासिक फैक्ट को देखने वाले हैं, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों में हम लोग बात करें तो एक ऐतिहासिक स्थल है देवबंद। यह कहाँ पे पड़ता है? तो दोस्तों यह सहारनपुर में पड़ता है। क्यों यह महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे दारुल उलूम संस्थान जो है यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, अगला स्थल है हुलास। हुलास की बात करें, हुलास दोस्तों सहारनपुर में पड़ता है। यानी देवबंद और हुलास दोनों आपके सहारनपुर में पड़ते हैं। यह दोनों उत्तर हड़प्पा कालीन से जो है संबंधित है। अगला स्थल है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर पड़ता है दोस्तों मेरठ में। आप लोग बताइएगा कि मेरठ जो है किस कारण जो है महत्वपूर्ण है, यानी किस लिए महत्वपूर्ण है, किस चीज के उत्पादन में। ओपीओडी आपको पता ही होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना है। उसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत जी हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो मेरठ, हस्तिनापुर जो है मेरठ में पड़ता है। यह प्राचीनतम यानी पौराणिक में देखें तो यह कौरवों की राजधानी थी। अगला स्थल है सरगना। सरगना की बात करें तो यह भी जो है मेरठ में पड़ता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पे बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च जो है अवस्थित है।
अगला है सूरत भवन। सूरत भवन की बात करें दोस्तों, तो सूरत भवन पड़ता है लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी की बात यह है कि यहाँ पे दोस्तों जो है दुधवा नेशनल टाइगर रिजर्व भी है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। तो दोस्तों यह था उत्तर प्रदेश के प्राचीन काल से संबंधित पहला वीडियो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को जो है कैसा लगा। ठीक है, आप लोगों से एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आप लोग जवाब दीजिएगा, नहीं तो अगले जो है वीडियो में उसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है कुल कितने महाजनपद स्थित थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 16 महाजनपद है, 16 महाजनपदों में से कुछ महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कुल कितने महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।